हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ बीसी साहू। आज हम बेसिक कैलकुलेशन बताएंगे स्पिनिंग लाइन का। और कैसा लगा वीडियो, फिर बाद में मेरे को देखने के बाद बताइएगा। बेसिक कैलकुलेशन होता है जो अपना स्पिनिंग में, उसमें कॉमन फार्मूला जो है सब बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, काउंट, इंग्लिश काउंट जो होता है उसका फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ 840 वे 1 पाउंड या 453.6 ग्राम होता है या 1 पाउंड होता है, तो इसको 1 काउंट बोलते हैं। 1 × 840 yard हो गया 453.6 ग्राम। तो 1 yard का वजन कितना हुआ उसका मटेरियल का, 453.6 × 840 डिवाइड 840.54 हो गया कांस्टेंट। तो 0.54 हो गया। ये एक मेन फार्मूला है अपना रैपिंग वगैरह निकालने के लिए, इसको सब ध्यान रखेगा। फॉर एग्जांपल, अपन कार्डिंग का रैपिंग चेक करना चाहते हैं तो अपन 30 यार्ड का सैंपल अपन लिए, 30 यार्ड का अपन उसका चेक करके वजन कराए, तो 30 यार्ड का अपन जब वजन कराएंगे उसका क्या उसका रैपिंग निकलेगा, समझ लीजिए 0.54 × 30 yard, तो कंस्टेंट हो गया 16.2। तो 16.2 में हम जितना वजन आया 30 यार्ड का इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा रैपिंग। और एग्जांपल, 16.2 में हम भाग किए 105 ग्राम आया, तो ये कितना रैपिंग आएगा 16.2 में 105 अपन भाग करके देखते कितना आ रहा है। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ एक चीज़, बाकी तो आप लोग करते रहना। 16.2 × 105 ये आ जाएगा 0.154, ये रैपिंग आ जाएगा 0.154। ठीक है, ऐसे ही होता रहेगा अपना। जैसे ड्रॉप फ्रेम में जाएंगे, ड्रॉप फ्रेम में ब्रेकर फिनिशर, उसमें 5 yard का सैंपल लेते हैं तो 0.54 में हम 5 × 2.7 किए 2.7 हुआ। 2.7 में जो 5 yard का अपन रैपिंग सैंपल निकाले तो उसको भाग करेंगे तो आ जाएगा ड्रॉप फ्रेम का रैपिंग आ जाएगा। ऐसे ही सिंपलेस में हम 15 yard का रोबिंग लेते हैं, ये हो गया आपकी स्लाइवर, ये भी स्लाइवर, ये रोबिंग, ये हो गया यान, समझ लीजिए। सिंपलेस का हम 15 yard का लेते हैं तो 15 × 0.54 हो गया 8.1। तो 8.1 में हम रोबिंग का वजन भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका रैपिंग आ जाएगा, सिंपलेस का रैपिंग आ जाएगा। सिंपलेस का रैपिंग जैसे अपन 15 yard का लेते हैं, 0.54 में 15 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 आएगा। 8.1 में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंपलेस का 15 yard का वजन आया, समझ लीजिए 6.7 आया एग्जांपल, तो रैपिंग क्या आएगा 8.1 × 6.7, तो ये आ जाएगा आपकी, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, = 1.20 का रैपिंग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिम फ्रेम का है। रिम फ्रेम का हम 120 yard का लेते हैं, रिम फ्रेम का जब सैंपल लेते हैं 120 yard का लेते हैं यान का, तो 0.54 × 120 ये हो जाता है 64.8। उसमें ली का वजन भाग करते हैं, जो सैंपल का ली का वजन है भाग करते हैं, वो रिम फ्रेम का रैपिंग आ जाता है 1.0936 × 60 × 8 भाग डिवाइड 840 × 2.2046, ये हो गया 0.283। उसमें जब 0.283 हम हर जगह जहाँ पे एमपीएम का
स्पीड में आता है मीटर पर मिनट, वहाँ से केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉमन फार्मूला है। तो उसमें जो जो चीज़ है मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। 1.093 ये कहाँ से आया, 1.0936 होता है, एक मीटर होता है और 1.0936 यार्ड होता है। 60 हो गया 60 हो गया 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर 60 मिनट। 8 हो गया 8 आवर शिफ्ट, 8:40 हो गया 1 हैंक 840 यार्ड्स। ये चार ये जो पॉइंट है सब समझ में आ गया। इसको अपन डिवाइड किए इसमें 0.283 आया। फॉर एग्जांपल हम कार्डिंग का स्पीड चला रहे हैं, एग्जांपल कार्डिंग का स्पीड समझ लो चल रहा है 200 MPM चला रहे हैं, ठीक है। और कार्डिंग का रैपिंग हो गया 0.150, तो प्रोडक्शन 100% पर 8 आवर वो कितना होगा, वो कितना होगा देखिए, 0.283 × 200 / 0.150, ये 8 घंटे का प्रोडक्शन आ जाएगा 0.283 × 200 / 0.150, ये आ जाएगा 377 kg। ये 100% kg है अपना 8 घंटे का, ये अगर अपन ये रैपिंग पकड़े ये स्पीड पकड़े। फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग का लिए ड्रॉप फ्रेम का लिए तो ड्रॉप फ्रेम का समझ लो हम 650 MPM चलाए, 650 MPM, तो रैपिंग पकड़े 0.120, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्शन कितना आएगा, 650 × नंबर ऑफ डिलीवरी, मतलब फिनिशर है तो एक आएगा दो आएगा, और भाग डिवाइड हो गया 0.120 इंटू 0.230, तो कितना हो जाएगा 0.283 × 650 / 0.120, ये हो गया 1532 kg पर डिलीवरी। इफ डबल डिलीवरी 1532 × 2 3064 kg हो जाएगा, ठीक है। ये ड्राइंग का अपना कैलकुलेशन ऐसे हो गया। ऐसे ही सिंपलेस का भी अपन MPM है तो उससे भी कर सकते हैं, सिंपलेस का, ऑटो कॉर्नर का, रिंग का, हर जगह जहाँ पे MPM का होता है हर जगह से कर सकते हैं। और उसके बाद आया दूसरा फार्मूला, GPS क्या होता है, ग्राम्स पर स्पिंडल। जैसे अपन सिंपलेस का, स्पीड फ्रेम का, रिम फ्रेम का, कोई भी अपन 8 घंटे में एक स्पिंडल में कितना प्रोडक्शन आता है उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट फार्मूला अपन निकाल रखे हैं 7.2।
7.2 होता क्या, रिमप्रम के लिए सिंपलेस के लिए 8 घंटे का पर स्पिंडल प्रोडक्शन निकालने के लिए उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप देखिए कैसे आया, 60 मतलब हो गया 1 आवर 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट हो गया। 8 होता है 8 आवर पर शिफ्ट, 1000 अपन 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 गुणा मल्टीप्लाई के, फिर डिवाइड बाई 36, 36 मतलब 36 इंच होता है 1 यार्ड, जो गज बोलते हैं 36 इंच होता है 1 गज होता है। फिर 840 डिवाइड किया हुआ 840 हो गया 840 यार्ड 1 हैंक, इसको हैंक में हम कन्वर्ट किए 2.2046 होता है। वो अपन इसको पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 2.2046 पाउंड होता है 1 kg। ये टोटल गुणा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखिएगा 7.2 आएगा। तो 7.2 से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए, अपन 30 काउंट पॉलिस्टर का यान बनाते हैं, ठीक है। उसका अपना आया स्पिंडल स्पीड, आया एवरेज स्पिंडल स्पीड आया 70,000 और टीपीए आया अपना 18। तो इसमें जीपीएस क्या आएगा, तो 17,000 गुणा 7.2 डिवाइड बाई 18, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 100% जीपीएस है, इसका ऊपर फिर एफिशिएंसी वगैरह कटेगा। और ये कितना हुआ, फॉर एग्जांपल हम लोग 30 काउंट का पॉलिस्टर यार्न का कैलकुलेशन करेंगे। 30 काउंट पॉलिस्टर में हमारा समझ लीजिए एवरेज स्पिंडल स्पीड 17,000 है और टीपीआई रहा 18, तो जीपीएस जो होता है ग्राम्स पर स्पिंडल 100% जो होता है वो कितना होता है, 17,000 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई काउंट, ये हो गया काउंट, इक्वल टू आ जाएगा 226 ग्राम आ जाएगा। ये आप कोई भी काउंट ले लो, कोई भी टीपीआई ले लो, ये तीन चीज़ आपके पास होगा, स्पिंडल स्पीड का, एवरेज का, टीपीआई और काउंट। तो 7.2 में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप ग्राम्स पर स्पिंडल निकाल सकते हैं। कोम्बर प्रोडक्शन कैलकुलेशन, अपन स्पिन प्लान वगैरह जब करने जाते हैं तो कोम्बर प्रोडक्शन अगर कैलकुलेशन नहीं पता है तो कैसे करेगा फिर, तो इसका बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है कोम्बर प्रोडक्शन का, इसको देखिए एक बार। एनपीएम लिया हम लोग निप्स पर मिनट, कोम्बर का जो स्पीड होता है कोई 500 निप्स पर मिनट चलाएगा, 600 चलाता है, कोई 700 चलाता है, तो अलग अलग मेक के ऊपर है वो कितना स्पीड चलानी है, वो मटेरियल भी कौन सा है, अच्छा मटेरियल है तो अच्छा स्पीड चल जाएगा। तो निप्स पर मिनट सबसे पहला है। दूसरा चीज़ हो गया 60 हो गया, 1 घंटा 60 मिनट हो गया, 8 हो गया 8 घंटा 1 शिफ्ट का हो गया, दूसरा 8 गुणा मल्टीप्लाई क्या हुआ, ये 8 होता है 8 हेड पर कुंबर, एक कुंबर में 8 हेड होता है। तीसरा रहा ये ग्राम पर मीटर, ग्राम पर मीटर होता है लैप का, जो अपन कुंबर में जो फीडिंग करते हैं लैप, उसका ग्राम पर मीटर मतलब थिकनेस, मतलब 1 मीटर लैप का वजन कितना आता है, वो ग्राम पर मीटर लिए इंटू 100 माइनस नाइल परसेंटेज, तो
नायल समझ लीजिए अपन एक्सपोर्ट की क्वालिटी बना रहे हैं तो 22% नायल निकालते हैं, 23% निकालते हैं, तो डोमेस्टिक बना रहे हैं 16% 14% बन जाएगा। तो 100 से माइनस नायल परसेंटेज अपन निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पर नेप, जैसे अपन को पूरा बिल्कुल बढ़िया नेप्स क्वालिटी वगैरह कम से कम आया तो फिर पर नेप अपन पतला रखते हैं, मतलब रैचेट होल रहता है उसी हिसाब से 4 से लेके 6 तक रहता है फिर पर नेप का, तो उसी हिसाब से हम रखते हैं। एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी हम स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसका कोम्बर में 95% तक तो पकड़ते हैं, उसमें आपकी लैप लगाने का टाइम है, स्लाइबर ब्रेकेज है, और वो फॉल्ट वगैरह जो आता है वो सब देखना पड़ता है, और टॉप को हम क्लीनिंग करते हैं बीच में, और उसका शिफ्ट चेंज क्लीनिंग करते हैं, वो सब कट कुटा के एफिशिएंसी आ जाता है। वो सारी चीज़ अपन कैलकुलेशन में लेते हैं तो प्रोडक्शन में, ये आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक डाटा के हिसाब से आप देखिए कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्पीड पकड़ा 450 NPM, ठीक है, ग्राम पर मीटर पकड़े 70 लैप का, नॉयल पकड़े 20%, ठीक है, हेड पर निप पकड़े 5.3, एफिशिएंसी पकड़े ये हो गया फेड पर निप, हो गया नॉयल, एफिशिएंसी पकड़े 95%। तो 8 आवर का प्रोडक्शन कितना आएगा उसका अपन निकाल लें। चार्ज 450 × 60 × 8 × 8 × 70 × 0.80 × 5.3 × 0.95, और 62 kg, कुंभर का अपन प्रोडक्शन कैलकुलेशन कर दिए, 450 की स्पीड में 70 ग्राम पर मीटर में 5.3 हो गया फेड पर निप है, और नॉयल हो गया 20%, एफिशिएंसी 95%, और उसमें अपन देखें तो 487 kg पर 8 आवर प्रोडक्शन आया। तो ये कोम्बर का कैलकुलेशन है, उसी हिसाब से अपन स्पिन प्लान जब बनाएंगे ना उसमें सब ये काम आएगा, कोम्बर का कैलकुलेशन कितना कोम्बर लेनी है, प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन था कोम्बर का प्रोडक्शन था, आप देखिए इसमें कोई डाउट होगा मेरे को फिर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू।